मॉडल पेपर 2018 कोड 504 सेकंड सेमेस्टर। हाय फ्रेंड्स, मैं आरती। ऑनलाइन क्रिएशन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और फ्रेंड्स, जैसा कि हम कहते थे कि कुछ नया करने के लिए हम सोच रहे थे आप लोगों के लिए कुछ करूं, और चलिए जैसा कि आप देख ही रहे हैं कि आज जो है वो मॉडल पेपर आपके लिए लेके आई हूं। और जो आपका सेकंड सेमेस्टर का एग्ज़ाम होने वाला है 504 505 का, तो ये आपका गणित का, मैथ का प्रारंभिक स्तर पर गणित सीखना का मॉडल पेपर है। तो चलिए देख लेते हैं, और आपके लिए जो है मैं मॉडल पेपर ही लेके आऊँगी ताकि आपकी प्रैक्टिस भी अच्छे से हो जाए। तो चलिए सबसे पहले देख लेते हैं क्वेश्चंस। तो देखिए, जो आपका पेपर होता है वो आपका 70 नंबर का होता है। 170 नंबर का ये मैंने मॉडल पेपर आपका बनाया है, और ये फर्स्ट पार्ट इसका है। इसके बाद मैं सबसे पहले 505 का लेके आऊँगी, देन उसके बाद फिर मैथ का अगेन सेकंड पार्ट लेके आऊँगी। तो फ्रेंड्स, इसमें आपके 12 क्वेश्चंस दिए हुए हैं। 12 में से आपको जो है 10 क्वेश्चंस करने हैं, और हर एक क्वेश्चन जो है वो 2 मार्क्स का होगा, 2 नंबर का होगा। तो इस तरह से 10 क्वेश्चंस जो है आपके 20 नंबर के हो जाएंगे। इसमें हमने ऑप्शन दे के रखा है, और ऑप्शन इसलिए दिया है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन मैं ऐड कर सकूँ और आपको आसानी हो इनको पढ़ने में और याद करने में। चलिए ये देख लेते हैं पूरे क्वेश्चन, आप एक बार देख लीजिए, मैं आपको पेपर दिखा देती हूँ। तो 1 2 3 4 एंड 5, तो इस तरह से आप देख रहे हैं कि यहाँ पे 12 क्वेश्चंस दिए हुए हैं। 12 में से आपको 10 करने हैं, इसमें भी हमने ऑप्शन दे दिया आपको। चलिए हम नेक्स्ट देख लेते हैं, जो आपका नेक्स्ट पेपर में होता है। यहाँ पे मैंने इसका आंसर भी दे दिया है, ओके। और जो नेक्स्ट है वो आपका लघु उत्तरी प्रश्न जो आते हैं, यानी शॉर्ट में जो 250 शब्दों में लिखने होते हैं, और 5 क्वेश्चन इसमें से आपके, सॉरी 6 क्वेश्चन आपको इसमें से करने होते हैं, और 5 नंबर के 5 नंबर के होते हैं, ओके। तो इस तरह से आप देख सकते हैं यहाँ पे क्वेश्चंस भी हमने जो लिया है वो 12 क्वेश्चंस लिया है। क्वेश्चंस को ऐड करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जितने ज़्यादा मैं क्वेश्चंस लूँगी उतनी ही ज़्यादा आपकी रिवाइज होगी। सबसे पहली बात, आपका जो रिविजन्स होगा इन्हीं क्वेश्चन के माध्यम से होगा। जैसे क्वेश्चन हो गया कि गणित को आनंददायक कैसे बनाया जा सकता है, एक टीचर होने के नाते उदाहरण सहित समझाइए, आपको समझाना है। दूसरा क्वेश्चन है, परियोजना विद द्वारा गणित शिक्षण का क्या महत्व है, उचित उदाहरण द्वारा परियोजना विद के सोपानों को, सोपान का मतलब होता है चरण जो होते हैं, वो समझाना है आपको। तीसरा क्वेश्चन है, समस्या समाधान में गणित विज्ञान का प्रयोग आप कैसे करेंगे, उदाहरण द्वारा समझाइए। सभी के वीडियो बने हुए हैं, ऐसा कोई भी इसमें क्वेश्चन नहीं है जिसका वीडियो ना अवेलेबल हो। और मैंने आज जो ग्रुप में वीडियोस दिए हैं वो सिर्फ वीडियो आपके 5 और 10 नंबर के क्वेश्चन के हैं, उसमें एमसीक्यू का एक भी वीडियो नहीं है। तो आप देख लीजिए कि ये क्वेश्चन देखिए, और जितने भी मेरे वीडियोस होते हैं, कुछ वीडियो को छोड़ दीजिए यदि, तो सब में थंबनेल में ही क्वेश्चंस लिखे होते हैं, यानी मेन फ्रंट पेज में आपको बाहर ही दिख जाएंगे, तो आप देख सकते हैं। फोर नंबर का क्वेश्चन है कि गणित मूर्त से मूर्त की ओर जाता है, कैसे सिद्ध करेंगे, विस्तार से समझाइए। ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं आपका गणित को आनंददायक कैसे। चलिए मैं अभी क्वेश्चंस देख लेती हूँ, फिर आपको इंपॉर्टेंट इसमें, इंपॉर्टेंट तो सभी हैं, वेरी इंपॉर्टेंट जिनके आने की पॉसिबिलिटी 100% हो सकती है। 5th नंबर का क्वेश्चन है, ज्यामिति के मूल सिद्धांत क्या है, लिखना है। गणित के आकलन की प्रवृत्ति के 5 प्रमुख पहलुओं का उदाहरण सहित चर्चा करें। गणित शिक्षा के विस्तृत एवं संक्षिप्त उद्देश्य से आप क्या समझते हैं, समझाइए। 5 ऐसे उदाहरण प्रस्तुत करें जहां पर आपने पाया कि निगमन तर्क का उपयोग किया गया है। 9 नंबर का क्वेश्चन है, संज्ञानात्मक विकास की अवस्थाओं की चर्चा करें। ये संज्ञानात्मक विकास की अवस्थाएं आपके जीन पियाजे से मिलेगी, जो पियाजे का विकासात्मक अवस्था का वीडियो मेरा बना हुआ है, उस पर आप देख लीजिएगा, वो इसी में है। और एक अलग से भी वीडियो है जिसमें संज्ञानात्मक विकास की अवस्थाओं की चर्चा की गई है। ये और वेरी इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन है मेरे हिसाब से, परिमेय संख्याओं की चर्चा उदाहरण सहित करना है आपको। गणित में सतत एवं व्यापक आकलन का उद्देश्य एवं प्रक्रिया क्या है, उदाहरण सहित इसकी चर्चा करना है। और देखिए इसमें 2 क्वेश्चंस हो गए, सबसे पहला एक देखिए क्वेश्चंस, इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं। जैसे आपका एक क्वेश्चन हो गया कि गणित शिक्षा के विस्तृत एवं संक्षिप्त उद्देश्य यहाँ पे है, और दूसरा क्वेश्चन वहीं पे कि गणित में सतत एवं व्यापक आकलन के उद्देश्य प्रक्रिया क्या है, उनका थोड़ा सा डिफरेंस इसमें होता है। फिर नेक्स्ट है कि समस्या निर्माण विधि क्या है, और शिक्षक इसकी मदद क्यों लेता है, आप एक टीचर है इसको एक उदाहरण से समझाइए। और अगर इसकी बात करें तो यही जस्ट क्वेश्चन ऊपर भी आया, ये देखिए 3rd नंबर पे आप देख रहे हैं
कि समस्या समाधान में गणित विज्ञान का प्रयोग आप कैसे करेंगे, समस्या समाधान में गणित विज्ञान या गणित विषय या गणित ज्ञान का प्रयोग आप कैसे करेंगे, उदाहरण से समझाना है। और यहीं पे क्वेश्चन आया कि समस्या निर्माण विधि क्या है और शिक्षक इसकी मदद क्यों लेता है, आप एक टीचर हैं, इसको उदाहरण से ही समझाना है आपको। तो इस तरह के ही क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। चलिए आइए अब देख लेते हैं आपके दीर्घ उत्तर यानी लॉन्ग वाले जो क्वेश्चंस होते हैं और जिनको आपको 600 वर्ड में लिखना होता है 600 शब्दों में, ठीक है। तो इसमें देखिए कि दो प्रश्नों के उत्तर आपको देने हैं, 4 क्वेश्चन होते हैं, 4 में से आपको 2 क्वेश्चन लिखने होते हैं लॉन्ग में से, 600 शब्दों में लिखने होते हैं 600 वर्ड में। कैसे लिखना है इनको, इसका ऑलरेडी वीडियो अवेलेबल है तो उसे आप वॉच कर लीजिएगा। प्राथमिक स्तर पर बच्चे गणित कैसे सीखते हैं, उनके सोचने का तरीका क्या होता है, एक शिक्षक होने के नाते विस्तार से समझाइए। तो प्राथमिक स्तर पर बच्चे कैसे पढ़ते हैं, और आई थिंक जब आप प्लेलिस्ट में जाके 504 कोड देखेंगे तो मुझे लगता है फर्स्ट सेकंड नंबर का यही वीडियो है, मेरा फर्स्ट जो मेरा वीडियो डाला था शायद यही था। गणित की प्रकृति कैसी होती है, गणित शिक्षण की विधियों का संक्षेप में वर्णन करें, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। गणित की प्रकृति कैसी होती है, और इसका तो मैंने स्टार्टिंग में वीडियो डाला ही था और लेटेस्ट भी एक वीडियो भी जो डाला है उसमें भी आपकी गणित की प्रकृति है। थर्ड नंबर का क्वेश्चन यानी कि यहाँ पे जो 2 क्वेश्चन आपको दिए हुए हैं फर्स्ट एवं सेकंड, तो इन दोनों में से सिर्फ एक करना है, कोई भी करना क्योंकि अथवा लिखा हुआ है, ठीक है ना। और इसी तरह से तीसरे नंबर का क्वेश्चन है कि प्रारंभिक विद्यालय स्तर पर विद्यार्थी किस प्रकार की त्रुटियां करते हैं, और यानी कि छात्र किस प्रकार की गलतियां करते हैं, और एक शिक्षक होने के नाते उन त्रुटियों का निवारण यानी उन गलतियों का निवारण कैसे आप करेंगे, आपको ये बताना होगा, ओके। और यहीं पर देखिए जो आर यहाँ पर दिया हुआ है आप देख रहे हैं, तो सॉरी यहाँ पे होना चाहिए ओके। तो ये थर्ड और फोर्थ नंबर के क्वेश्चन में से एक करना है, और फोर्थ नंबर का जो क्वेश्चन है वो आपका मैथ से है यानी कि आपका सांख्यिकी से है कि निम्नलिखित आवृत बंटन की संचयी आवृत सारणी बनाना है, आपको बताना है। तो इस तरह का क्वेश्चन मैंने हर बार कहा था कि एक आवृत वाला क्वेश्चन जरूर आएगा या फिर मैथ से सांख्यिकी से एक क्वेश्चन जरूर लॉन्ग वाले में देगा। तो ये वर्ग ये दिया हुआ है, और ऑलरेडी फ्रेंड्स इसका जो वीडियो है डला हुआ है कि आवृत को कैसे निकालना है, वर्ग आवृत को, तो आप उसे देख लीजिएगा। अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो रेड बटन को दबाकर उसे सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को क्लिक करें और उसे सेव करें ताकि जो भी न्यू वीडियो डालूं उसका नोटिफिकेशन आपको ईजी से अवेलेबल हो जाए। थैंक यू। तो ये था आपका मॉडल पेपर, किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं ये, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे ये पीडीएफ लिंक इसका मैं दे दूंगी तो आप वहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा। आप कहेंगे कि ये लघु उत्तरी जो क्वेश्चन है इनके आंसर कहाँ हैं, लॉन्ग के आंसर कहाँ हैं, तो फ्रेंड्स इनके आंसर वीडियो में है, आप प्ले लिस्ट पर जाके वीडियो देखिए सबके आंसर मिल जाएंगे। तो यहाँ पर आंसर दे पाना थोड़ा सा मुश्किल है इन सभी क्वेश्चन का, और ये लॉन्ग क्वेश्चन है 500 में 250 600 वर्ड में आपको शब्दों में लिखने हैं ओके। लेकिन मैं ये 100% दावा करती हूँ, कह रही हूँ कि आप वीडियो देखिए, वीडियो के थंबनेल में ही आपके पूरे क्वेश्चंस मिल जाएंगे। अगर नहीं मिलता है तो आप फिर हमें कमेंट्स करिए, हम आपको बताएंगे। चलिए थोड़ा सा नजर दौड़ा लेते हैं आपके इस पे, जो आपके मल्टीपल चॉइस के क्वेश्चंस हैं इनको देख लेते हैं। अब मल्टीपल चॉइस के जो क्वेश्चंस हैं इसमें आंसर ऑलरेडी दिए हुए हैं, नीचे इनके आंसर लिखे हुए हैं तो आप देख लीजिएगा, और क्वेश्चन जो है वो आपके सामने है। और इसके ये मेरा था मैथ का, इसके बाद मैं आपके लिए जो है इसका कोड 505 यानी कि एनवायरनमेंट का जो मॉडल पेपर है वो मैं लेके आऊँगी आपके लिए, और इसके बाद फिर इनके यूनिट्स यानी पार्ट लेके आऊँगी, क्योंकि जितने ज़्यादा आप रिवाइज करेंगे पढ़ेंगे तो आपका जो आप जितना ज़्यादा पढ़ेंगे तो आपका रिविज़न जो है उतना ज़्यादा होगा और आपको ही बेनिफिट इससे मिलेगा, ठीक है। तो कैसा लगा ये वीडियो ज़रूर बताइएगा, हमारी कोशिश कैसी लगी ज़रूर बताइएगा, कोई प्रॉब्लम है तो आप क्वेरी कर सकते हैं, कमेंट्स बॉक्स पे कमेंट्स कर सकते हैं, वरना आप व्हाट्सएप पे भी कोई मैसेज करके पूछ सकते हैं। ग्रुप को आप ज़रूर ज्वाइन कर लें, ग्रुप ज्वाइन करने के बहुत सारे फायदे होते हैं, जो भी इन्फॉर्मेशन लेटेस्ट होती है वो आपको मिलती ही मिलती है, साथ में बहुत सारे आपके फ्रेंड्स होते हैं जो डीएलएड कर रहे हैं, उनसे भी आपकी एक कॉन्टैक्ट जो है वो बना होता है, कोई प्रॉब्लम होती है तो आप आपस में भी सॉल्व कर सकते हैं।
तो फ्रेंड्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे लिंक रहेगा पीडीएफ फाइल का यानी आपके मॉडल पेपर का, तो आप उसको भी डाउनलोड कर लीजिए। और डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे मैं व्हाट्सएप जो ग्रुप है उसका लिंक दे दूंगी, तो आप वहाँ से व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। तो ये वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइएगा, वीडियो को लाइक करिए एंड शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सबसे पहले इसको आप सब्सक्राइब कर लीजिए। नेक्स्ट वीडियो न्यू इन्फॉर्मेशन के साथ फिर मिलते हैं, तब तक के लिए टेक केयर।